सो जैसे आपने देखा अमेज़ॉन ने हमारे कीबोर्ड को एक बहुत ही छोटे से डब्बे में भेजा है एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब वाइल सेविंग द प्लैनेट हियर। तो इसी चीज़ के साथ हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना एंड आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं कॉस्मिक बाइट का GK-18 जो है रेड की वर्जन ऑफ द प्रीवियस GK-16। अब GK-16 कीबोर्ड बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है उन लोगों के बीच में, उन बजट गेमर्स के बीच में जिनको एक TKL कीबोर्ड चाहिए था अंडर रुपीज़ 3000 और अराउंड 2000 रुपीज़। वो सिर्फ ब्लू स्विचेस में अवेलेबल था जो हर किसी की चॉइस नहीं होती, फर्स्ट चॉइस नहीं होती मैकेनिकल कीबोर्ड्स में। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ब्राउन स्विच दो या फिर हमें रेड स्विच दो, और फाइनली कॉस्मिक बाइट ने बात सुनी एंड दे डिलीवर्ड रेड की लीनियर स्विच वर्जन ऑफ द GK-16 एंड इट्स कॉल्ड GK-18। तो इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से चेंजेस के बारे में बताऊंगा कि क्या चेंजेस हुए या फिर क्या सिमिलैरिटीज अभी भी है इस कीबोर्ड में। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। ये जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं पूरा फुल फ्लैश डिटेल रिव्यू नहीं करने वाला GK-18 का, and the reason is simple because GK-18 and GK-16 are exactly the same keyboard। इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ स्विचेस का है और एक दो छोटे बहुत ही माइनर चेंजेस जो अच्छे हैं बुरे हैं वो बताता हूँ आपको जल्दी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी GK-16 वाली वीडियो ज़रूर एक बार चेक कर लें, उसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा क्या फिजिकल डायमेंशन है या फिजिकल क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसे है। तो ये है एक TKL कीबोर्ड यानी 10 की लेस, इसमें नंपैड नहीं है, ये मैकेनिकल कीबोर्ड है और इसमें बहुत सारी RGB है। कितनी RGB? वेल आप पर की लाइटिंग इसमें कर सकते हो, मतलब आप मैनुअली तो नहीं कर सकते लेकिन इसमें प्रीसेट्स पर की लाइटिंग वाले हैं तो आप उनको सिंगल कलर बैकलाइट भी कर सकते हो जो MK1000 एंड स्पोर्ट्स के या किसी दूसरे रेड ड्रैगन वगैरह के कीबोर्ड्स में अवेलेबल नहीं है ऑप्शन। जो GK-16 था वो आता था आउटेमू ब्लू स्विचेस के साथ, लेकिन ये जो नया वर्जन है GK-18 ये आता है आउटेमू रेड स्विचेस के साथ। सबसे पहले चेंज की बात करते हैं, ब्लू स्विचेस थे यानी आउटेमू ब्लू स्विचेस थे वो टैक्टाइल प्लस क्लिकी स्विचेस थे यानी जब आप उनको प्रेस करते हैं तो आपको आवाज़ भी सुनाई देती है और फील भी होता है जो वैसे तो सुनने में ठीक लगता है लेकिन एक्चुअली सुनने में ख़राब है। मतलब कि जब आप उनको टाइप करते हैं तो कई बार कंप्लेंट आती है कि भाई थोड़ा धीरे टाइप कर ले, आपका कीबोर्ड बहुत आवाज़ कर रहा है, ये है वो है, तो कुछ गेमर्स के लिए वो परेशानी हो जाती है एंड दैट्स द रीज़न दे वांटेड रेड की और लीनियर स्विच कीबोर्ड। जो आउटेमू रेड है वो पूरी तरह लीनियर स्विच है। स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ये बेसिकली क्लोन है चेरी MX स्विचेस का, चेरी MX रेड स्विचेस का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टेम के अराउंड जो मतलब स्विच के स्टेम के अराउंड एक छोटा सा सपोर्ट बार प्लास्टिक के लगाए गए हैं ताकि जो की है उस पर वॉबल कम रहे। इससे क्या डिफरेंस आता है टाइपिंग में? वेल डिफरेंस इतना आता है कि मेन आपको क्लिकीनेस नहीं फील होती, सुनाई देती जो आवाज़ आती है ब्लू स्विचेस में, प्लस आपको वो टैक्टाइल बम्प भी नहीं मिलता। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्विच है। अब एक्चुअली क्वालिटी कैसी है स्विच की? वेल वो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बिकॉज सस्ते में लीनियर स्विचेस को स्मूथ करना आसान नहीं होता। नॉर्मली कई बजट स्विचेस आते हैं लीनियर लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्क्रैची होते हैं, दिस इज़ नॉट द केस हियर। ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, एटलीस्ट जो इंडिविजुअल लेवल मतलब सिंगल 1U वाले स्विचेस हैं वो सॉरी कीज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ लगे मुझको फॉर द प्राइस। जहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो है स्टेबलाइजर कीज़ में, जहाँ यानी आपके शिफ्ट एंटर बैक स्पेस या स्पेस बार जो बड़े कीज़ होते हैं वो उनके जिनके जो स्टेबलाइजर लगे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है एंड ऑनेस्टली इट्स अ प्रॉब्लम विद मोस्ट बजट कीबोर्ड्स। इवन 10,000 रुपीज़ के अंदर बहुत सारे कीबोर्ड्स में प्रॉब्लम आती है एंड स्टेबलाइजर्स अच्छा इम्प्लीमेंट करने के अगर आपको अच्छे चाहिए तो आपको थोड़ा अपना बजट इंक्रीज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल या तो मैनुअली आप करोगे या तो कस्टम इंस्टॉल करोगे या फिर आपको कुछ आपको हायर एंड बोर्ड्स पे जाना पड़ता है जैसे कि डकी हो गए, वामिलो हो गए या फिर रेजर के भी जो है ना नए ऑप्टिकल स्विचेस वाले कीबोर्ड है वो सब आपको परचेज करने पड़ सकते हैं। तो जो स्टेबलाइजर वाले स्विचेस है वहाँ पे बहुत आवाज़ आती है स्टेबलाइजर्स की, स्टेबलाइजर्स लूज़ है, ये चेरी स्टाइल वाले स्टेबलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं एंड एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लूज़ लगे मुझको। लेकिन ये मैं बहुत ज़्यादा इसको हार्श नहीं रहूँगा बिकॉज ये सारे कीबोर्ड्स में ऐसी प्रॉब्लम है, इसको हम ये OEM लेवल पे प्रॉब्लम है, ये कुछ भी नहीं कर सकते इसके बारे में। एक छोटा सा चेंज था कीकैप से रिलेटेड कि जो मैंने हमारी लास्ट वीडियो थी मैंने वहाँ पे पॉइंट आउट किया था कि कुछ कीकैप्स में उसकी जो अंडरलाइनिंग है मतलब अंदर से जो उसका प्लास्टिक एरिया है कीकैप्स का वो एग्जैक्टली वाइड नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ नहीं थी, थोड़ा सा वो पर्पलिश कलर था, थोड़ा सा टेंट था उनमें, वो चेंज हुआ है। वो मतलब अब थोड़ा ज़्यादा वाइट है, ज़्यादा क्लियर है, तो वो एक चेंज मैंने नोटिस किया था। अब बात करते हैं उस चेंज की, या मतलब उस चीज़ के बारे में जो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ। मुझे पता नहीं ये सिर्फ मेरे सैंपल के साथ प्रॉब्लम थी या किसी दूसरे सैंपल के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने जैसे बताया था आपको लास्ट टाइम कि MK1000 के कंपैरेटिवली, एंटी स्पोर्ट्स MK1000 उसके कंपैरेटिवली कॉस्मिक बाइट GK-16 का क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा मुझको, उसमें ज़्यादा चीज़ें अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मुझे गड़बड़ दिख रही है। हुआ ये कि जो मेरा स्पेसिफिक मॉडल था वहाँ पे जब कीबोर्ड को मैंने निकाला बॉक्स से, तो वहाँ पे राइट शिफ्ट जो था वो अपनी जगह पे ठीक से प्लेस नहीं था और अंदर जा नहीं रहा था। अगर मैं उसको ज़ोर से प्रेस करूँ तो अपनी जगह पे फिट हो रहा था, वो ऊपर नहीं आ रहा था, तो वो उसमें कुछ इशू हो रहा था। उसको मैंने कैसे ठीक किया, वेल उसका मैं आपको जल्दी से एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो ये तरीका यूज़ किया मैंने इसको ठीक करने के लिए। ये कितना सेफ़ है मैं नहीं जानता। दूसरी तरफ बॉडी की जो टॉप एज है वहाँ पे मुझे प्लास्टिक के काफ़ी ज़्यादा एजेस थे दिखे, रफ़ एजेस दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनफिनिश्ड है। वो बॉटम में भी थे थोड़े से, और टॉप में ऑलमोस्ट मतलब आपके लगा लीजिए प्लास्टिक के पार्टिकल्स गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसको सैंडिंग मशीन से नहीं निकाला गया था, तो वो सारे पार्टिकल्स अभी भी निकले हुए हैं। तो आई डोंट नो इसका क्वालिटी इशू, मतलब क्वालिटी कंट्रोल कहाँ से मिसप्लेस्ड है, वो OEM लेवल पे है या कि इंडिया लेवल पे कोई क्वालिटी कंट्रोल कर ही नहीं रहे इस चीज़ के बारे में। तो वो चीज़ अजीब सा लगा। मैं सच में होप करता हूँ कि ये सिर्फ मेरे सैम्पल के साथ प्रॉब्लम हो, किसी और सैम्पल के साथ ना हो। इससे ज़्यादा आपकी यूजेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है नई चीज़ को बाय करने का, वो थोड़ा लगता है कि नहीं, मैं चाहे ये चाइनीज़ माल है लेकिन मैं नहीं चाहता कि चाइनीज़ माल हो, वो चाइनीज़ माल जैसा दिखे। थोड़ी सी क्वालिटी कंट्रोल हमेशा एक्सपेक्टेड रहती है। तो क्या आपको परचेज़ करना चाहिए? येस, यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको एक TKL कीबोर्ड चाहिए अंडर ₹2500 जिसमें ठीक ठाक क्वालिटी के स्विचेस लगे हो, आपको एक अच्छा लाइटिंग सेटअप मिल रहा हो और आपको ओवरऑल एक डिसेंट पैकेज मिल रहा हो फॉर अ TKL कीबोर्ड, तो देन येस यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको ज़्यादा डिटेल जाननी है इसके बारे में तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ पे ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो GK-16 वर्सेस GK-18 फाइनल कंक्लूजन, सिंपल आंसर। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है और मैं ज़्यादातर लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि वो GK-18 परचेज करें जस्ट बिकॉज ऑफ द स्विचेस। ये तो मुझे लगता है कि जो उसकी आवाज़ है ना, उसमें बहुत डिफरेंस है। और अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं और आपको अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना ब्लू स्विचेस के साथ, देन रेड आर लिटिल बिट मोर टॉलरेबल बिकॉज उनकी आवाज़ कम आती है। वो खट 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 वाली आवाज़ नहीं आती जब आपके रात को गेमिंग करने के बाद मम्मी आपको कॉल करके बोलती है भाई अपने गेमिंग बंद कर दे, ऑनलाइन गेम अपनी पॉज कर ले। तो वो सब अगर आपको नहीं झेलना, देन प्लीज़ आप GK-18 परचेज़ करें। दूसरा फैक्टर, प्राइस सेम है, डिफरेंस नहीं है प्राइस में। शायद ₹100 का एक दो जगह पे आपको डिफरेंस मिलेगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो आप ज़रूर कंसिडर करें। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है और मतलब और भी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है आपके GK-18 के बारे में, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप बाकी अगर वीडियो के बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहें। मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।